Welcome back to my channel Sanchana Vlogs. How are you all? I hope you guys are doing great. So guys, good morning. अभी हो रही है सुबह, बिल्कुल जल्दी वाली. अभी जस्ट मैं अभी उठी हूँ. आई जस्ट वोक अप, लुक एट मी. आई एम जस्ट वोक अप, मैं अभी उठी हूँ एंड मैंने उठते ही व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, कहीं स्पेशल जाने वाली हूँ. सो मैंने सोचा है कि आज मैं व्लॉग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया है, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया मेरा वीडियो नहीं आया. मैं कोई वीडियो और व्लॉग नहीं बना पाई, बट ठीक है, अब सब कुछ तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ. सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है, कैन सी 5:19. अभी टाइम हो रहा है 5:20. सो यस, अभी टाइम हो रहा है 5:20, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं एंड मैं उठ चुकी हूँ. अब मुझे रेडी होना है क्योंकि जहाँ मेरे को जाना है उसके लिए मुझे निकलना है. एंड लुक एट माई मेहंदी, कैन यू सी दिस? सो गाइज, मुझे ना एक्चुअली मेहंदी लगानी नहीं आती है. एंड द बैक, यू कैन सी, लुक एट दैट गाइज. सो ये है मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट. एक्चुअली मुझे मेहंदी, मेरी ड्राइंग और मेहंदी बहुत बुरी है, लाइक बहुत बुरी, बट मैंने ट्राई किया है और ये आर्ट मैंने करी है अपने हाथ पे. ये मैंने खुद से लगाई है, आप देख रहे हो. दिस इज हाउ आई आर्ट एंड क्राफ्ट. सो मैंने बहुत कोशिश के बाद फाइनली थोड़ी अच्छी मेहंदी लगाई है बहुत सालों बाद. सो दिस इज हाउ इट लुक. हाउ इज़ इट गाइज, प्लीज़ बताना कैसी लग रही है ये. एंड सो अब मैं हो जा रही हूँ रेडी होने के लिए. आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. जा रही हूँ बात लेने, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में. टिल देन बाय बाय. वेलकम बैक गाइस, आई एम डन विद माय बाथिंग एंड अब मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए एंड दिस इज हाउ आई लुक. सो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. मतलब आज की जो मॉर्निंग है बहुत अच्छी हुई है. दिल्ली में थोड़ी थोड़ी जो ठंड है वो स्टार्ट हो गई है. अब इतना गर्म मौसम नहीं रहता है तो थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है. अभी सुबह का टाइम तो आपको बताइए, वैसे ही बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और इफ़ यू एंड आज का जो मैंने ये कुर्ती पहनी है ये मुझे गिफ्टेड है. सो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पूरी लुक कि ये कैसी है और क्या है. स्पेशली ये मेरे को इतनी अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें ये बेल स्लीव्स है एंड आई लव दिस स्लीव्स. आजकल ये जो स्लीव्स हैं वो ट्रेंड में भी हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है. और ये कुर्ती जो है ये मुझे अमेजोन से कल ही डिलीवर हुई है, बट ये गिफ्टेड है, अदरवाइज मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देती. तो इसकी पूरी लुक मैं आपको दिखाती हूँ. ये मुझे मेरी मामी ने गिफ्ट करी है, तो ये उन्होंने मुझे भेजी है मेरठ से दिल्ली. तो थैंक यू मामी, बहुत ही प्यारी कुर्ती है और बहुत अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच मामी. सो ये मेरी मामी ने दी है एंड अभी मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ. और अगर आपको ये ऑर्डर लेनी है तो आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सेल आ रखी है अमेज़ॉन पे और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुर्तीज़ हैं. स्पेशली ये कॉटन है तो इसमें गर्मी भी नहीं लग रही है और बहुत ही प्यारा फैब्रिक है. और इसका कलर तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही प्रिटी और डिसेंट सा कलर है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय यू कैन चेक ऑन अमेज़ॉन. फाइन
फाइनली गाइज अब मैं पहुंचने वाली हूँ. सो आज मैं जा रही हूँ झंडे वालन मंदिर. अगर आप दिल्ली में हैं तो आपको पता होगा कि ये बहुत फेमस टेम्पल है माता रानी का दिल्ली में. सो आज मैं जा रही हूँ झंडे वाले मंदिर माता रानी के दर्शन करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे थे, सो मैंने सोचा कि थोड़ी सी ब्लेसिंग लेते हैं और अपनी फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं. सो इसलिए आज मैं सुबह सुबह उनके दर्शन करने के लिए आई हूँ. और लॉकडाउन के बाद जस्ट अभी मंदिर ओपन हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वहाँ पे, क्या क्या कैसे दर्शन करवाए जा रहे हैं, कैसे लाइनों में भेज रहे हैं या कैसे भेज रहे हैं, और मतलब कितने लोगों को भेज रहे हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है. अभी वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं. सो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं टेम्पल में दर्शन करने लॉकडाउन के बाद, और कैसे दर्शन करवाए जा रहे हैं झंडे वाले माता के. सो आइए चलते हैं. अभी मैं थोड़ी देर में बस पहुँचने ही वाली हूँ. सो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आ गई हूँ झंडे वालन टेम्पल. मैं आपको दिखाती हूँ कैसा व्यू है, कैसे कैसे क्या है, ठीक है. माता रानी की एंट्रेंस, यहाँ से माता रानी के टेंपल की एंट्रेंस स्टार्ट होती है. देखो यहाँ पे जूतों के लिए है, एंड यहाँ से ये एंट्रेंस का रास्ता है. प्यारे दर्शन हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए. बहुत अच्छे से दर्शन करवा रहे हैं, वन बाय वन दर्शन करवा रहे हैं. बाकी सब कुछ बंद है, सिर्फ दर्शन करके सीधा निकलना है. नीचे जो माता की गुफा होती है, साइड में ऊपर खड़े होने के लिए भी जगह थी जहाँ पे लोग खड़े होकर आरती वगैरह करते थे. पूरा राउंड लगाने की भी परमिशन नहीं है, सिर्फ आप स्टेयर्स से जाओगे, माता को देखोगे एंड डायरेक्ट वापस जाओगे. बाकी सब कुछ बंद कर रखा है और बहुत सेफ्टी के साथ सैनिटाइजर करवा के, विदाउट मास्क एंट्री नहीं है, वन बाय वन करके अच्छे से दर्शन करवा रहे हैं. सो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रखा है मंदिर में दर्शन कराने का और सेफ्टी के लिए. सो बहुत अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके, और बहुत ही काम और अच्छी वाली फीलिंग आती है जब ऐसे होता है. सो अब हो गया टाइम, आई थिंक 8 o'clock, यस. सो अब 8 बज गए हैं एंड अब मैं वापस निकल रही हूँ घर के लिए. और मेरे जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं जो हमसे दूर दूर रहते हैं, स्पेशली मेरी मासी वगैरह, सो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि उनको दर्शन हो जाएंगे माता रानी के.
उनको बहुत अच्छा लगने वाला है झंडे वाली माता के दर्शन करके. सो प्लीज वॉच दिस व्लॉग, जरूर ये व्लॉग देखें. जो भी स्पिरिचुअल है मेरी तरह फीलिंग रखते हैं तो उनके लिए ये बहुत स्पेशल होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि ये बहुत ही यू नो वैष्णो देवी के बाद सेम उसको वो बोलते हैं कि वैष्णो देवी की दूसरी प्लेस जो है दिल्ली में है झंडे वाली माता के मंदिर. यहाँ पे माता खुद से आई थी, खुद से प्रकट हुई थी, तो बहुत स्पेशल मंदिर है, बहुत ही मान्यता है. तो अब मैं वापस जा रही हूँ, तो खत्म करते हैं आज का व्लॉग. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी व्लॉग करने वाली हूँ, मैं बिल्कुल लेट नहीं लगाने वाली. सो बहुत जल्दी जल्दी नए व्लॉग आने वाले हैं, न्यू अपडेट्स, तो स्टे अपडेटेड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.